नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनाली। हमेशा से ही सपा को भगवा से परेशानी रही है। हमेशा से ही भगवा और साधुओं को नशेड़ी बताया गया है, लेकिन अब फिल्म पठान के सहारे सपा सांसद एसटी हसन ने साधुओं की धोती से आपत्ति जताई है। जी हां, क्या है उनका कहना, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। फिल्म पठान में कपड़ों के रंग को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विवाद की वजह एक धर्म विशेष के एक्टर का होना बताकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं अब पार्टी के सांसद और लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता एसटी हसन ने भगवा रंग को लेकर साधु संतों के पहनावे पर सवाल उठा दिया है। सांसद एसटी हसन भी रंग विवाद में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि भगवा रंग अगर सिर्फ सनातन धर्मियों का कहा जाए तो ये कोई बात नहीं हुई। कोई भी आदमी उस रंग के कपड़े पहन ले, उससे क्या बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने हरे रंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। ये रंग क्या सिर्फ मुसलमानों का हो गया? सांसद एसटी हसन ने भगवा रंग और पहनावे को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इतना ही भगवा रंग का ख्याल है तो इस रंग की साधु संत धोती क्यों पहनते हैं? लोग टेबल कुर्सी पर भगवा रंग की तौलिया क्यों डालते हैं? कावड़ यात्रा में भगवा रंग की अंडरवेयर क्यों पहनते हैं? इस पर किसी को एतराज नहीं है। बीजेपी के नेता समान नागरिक संहिता को लेकर सदन में निजी बिल लाए हैं। ये सिर्फ बिल लाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। सपा समान नागरिक संहिता बिल का विरोध करेगी। इससे मुस्लिमों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और पर्सनल लॉ बोर्ड को भी खतरा है। संसद दल के नेता बनाए जाने और मुस्लिम चेहरे के तौर पर आजम की जगह एसटी हसन को स्थापित करने की पार्टी की अंदरूनी रणनीति की चर्चाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि आजम से उनकी कोई तुलना नहीं है, वो उनके भी नेता हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश शिवपाल मिलकर जनता के आंसू पोंछेंगे, जनता भाजपा से त्रस्त है। न जाने सपा के भगवा और साधुओं से क्या दिक्कत है। पहले भी सपा की तरफ से ऐसे बेतुके बयान दिए जा चुके हैं। साधुओं को पहले नशेड़ी बताया गया और अब पठान के भगवा बिकने के सपोर्ट में उतरे सपा ने हद पार कर दी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।